स्वागत है आपका IIT यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक शर्मा। आज IIT के माध्यम से हम करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एक टूर और जानेंगे कि किस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड को बनाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड आमतौर पर राउटर में यूज किया जाता है जिसकी मदद से हम डेटा स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से करते हैं ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक टूर। सो फाइनली अब हम प्लांट के अंदर आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं GoIP के सीनियर टेक्निकल मैनेजर अखिल शर्मा, जो कि हमें बताएंगे किस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड को बनाया जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IIT के प्लांट। थैंक यू। सर, ये ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में? बेसिकली मैं बता देता हूँ, जो ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड्स होती हैं वो आपका क्या करती हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करने के काम आती हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स, सम कनेक्टर्स। जैसे कि आप एक ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड देख रहे हो, इसके दोनों एंड पे कनेक्टर्स हैं, तो इसके दोनों एंड पे ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट्स वहाँ आपके लग जाएंगे और उन दोनों इक्विपमेंट्स को ये कनेक्ट करने के काम आती है। सर, आपने ये बता दिया किस काम आती है, तो अब इसे कैसे बनाया जाता है आप प्लीज मुझे और हमारे व्यूअर्स को बताइए। श्योर। सर, अब बताइए कि सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है और कैसे बनाया जाता है? सबसे पहला प्रोसीजर है कटिंग मशीन। ये हमारी कटिंग मशीन है। यहाँ पे हमारा जो फाइबर केबल, रॉ फाइबर केबल होती है, वहाँ इस ड्रम लगा दिया जाता है फाइबर केबल पे, और जो हमें जिस लेंथ की पैच कोड बनानी होती है वो यहाँ वायर कट होती है। आमतौर पे कितने लेंथ की बनाई जाती हैं सर? ये कस्टमाइज लेंथ होती हैं, आमतौर पे 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, वो कस्टमर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, अप टू 500 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, कस्टमाइज लेंथ पे डिपेंड करता है। सर, केबल कटिंग के बाद फिर अगला प्रोसीजर क्या है? केबल कनेक्ट कटिंग के बाद अगला प्रोसीजर है कनेक्टर असेंबली। केबल कट होने के बाद वहाँ से केबल यहाँ आती है, यहाँ पे कनेक्टर्स की असेंबली है, वो यहाँ पे केबल में असेंबल करी जाती है। सर, आमतौर पे ये केबल एज अ रॉ मटेरियल कहाँ से आती है? सर, ये मल्टीपल लोकेशन से आती है ये केबल, बेसिकली इंडिया से भी आती है मोस्टली केबल्स। और इसमें केबल्स के अलावा और क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं? केबल्स के अलावा इसमें कनेक्टर्स चाहिए होते हैं, फेरूल्स चाहिए होते हैं, सिरामिक के फेरूल्स आते हैं वो चाहिए होते हैं। और आमतौर पर कितने मैन पावर की आवश्यकता होती है, अगर हम पैच कोड बनाने को देखें या पैच कोड बनाने की इंडस्ट्री को देखें, तो कितने मैन पावर की जरूरत होती है? अगर आपको एक सिंगल लाइन चलानी है तो अराउंड 20 to 22 वर्कर्स आपको चाहिए होते हैं एक लाइन पे। सो इसके बाद अगला प्रोसीजर क्या है सर? इसके बाद अगला प्रोसीजर है ओवन। ओवन, ये हमारा अगला प्रोसीजर है ओवन। यहाँ क्या होता है, जो फेरूल्स होते हैं उसमें ग्लूइंग होती है, ग्लूइंग को हीट करा जाता है, इसलिए हीट इसलिए करा जाता है कि वो फेरूल पे आसानी से चिपक। सो यहाँ पे ओवन का काम होता है और ये तीसरा प्रोसीजर होता है। इसके बाद कौन सा प्रोसीजर है? उसके बाद हमारा जो स्टेप आता है वो आता है क्रिम्पिंग का। क्रिम्पिंग में क्या होता है, क्रिम्पिंग में उसे क्रिम्प करा जाता है कनेक्टर को ताकि वो हिले ना। उसके बाद फिर हमारा आता है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में क्या होता है, जो कनेक्टर, जो फेरूल का एंड फेस होता है वो साफ करा जाता है थ्रू 4 स्टेप्स। उसके बाद प्रोसेस क्या है सर आगे का? उसके बाद प्रोसेस आपका पॉलिशिंग मशीन के बाद टेस्टिंग फेज में आता है। टेस्टिंग फेज में जाके आपका माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप में जो आपने पॉलिशिंग करी है वो चेक होता है कि वो फेरूल साफ हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा लॉस चेक, इसमें इंसर्शन लॉस और रिटर्न लॉस होते हैं, वो केबल की क्वालिटी बताते हैं।
टेक्निकल क्वालिटी बताते हैं वो चेक होते हैं हर एक केबल्स के, उसकी अलग मशीन्स होती हैं ILRL टेस्टर, उस पर वो चेक होते हैं। सर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे मशीन्स यूज़ होते हैं, तो आमतौर पे कितने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो पाती है, हो जाती है? सर अराउंड 50 kVA के अराउंड हो जाती है, 50 to 50 kVA के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाती है। और अगर एरिया की बात करें तो आमतौर पे कितना एरिया की ज़रूरत होती है? सर अराउंड 6000 square feet। फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या है सर? उसके बाद आगे का प्रोसीजर है, फिर जब वो टेस्टिंग से पास हो जाता है फिर वो फाइनल पैकेजिंग पे चला जाता है। सर आमतौर पे जब हम फ्रॉम स्टार्टिंग टू मैन्युफैक्चरिंग अ गुड्स टू अ फाइनल प्रोडक्ट, और उसके बाद जब हम ट्रांसपोर्टेशन पे भेजते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, तो आमतौर पे बहुत सारे एरर्स होते हैं, कई बार जो है प्रोडक्ट जो है जिस हालात में हम पहुंचाना चाहते हैं वैसे नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसको सही तरीके से पहुंचाने के लिए क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ होते हैं? हमने अपने कुछ ब्रांड्स के कुछ अलग ही कार्टन्स बनवाए हुए हैं, वो हार्ड कार्टन्स हैं, उनमें ऐसी दिक्कतें नहीं आती। तो सर जब इतने लोग काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एरर की भी गुंजाइशें होती हैं, तो जब एरर होता है फिर क्या होता है सर, ये प्रोडक्ट को वेस्ट मटेरियल हो जाता है? नहीं, फिर वो जब एरर होता है वेस्ट नहीं होता, फिर उस कनेक्टर को रिकनेक्टराइज करा जाता है, फिर वो पूरा प्रोसीजर शुरू से स्टार्ट होता है। एरर की कितने परसेंट चांसेस होते हैं सर? एरर के 1-2% चांस होते हैं एरर के। एक्चुअली कॉपर्स जो केबल्स होते हैं आप उसमें लिमिटेड डेटा ट्रांसफर कर सकते हो अप टू 100 meters, अप टू 250 meters भी होता है, पर जो फाइबर्स केबल्स होती हैं उस पर आप डेटा कैरी कर सकते हो अप टू 25 miles तक। ओके, सो सर मार्केट में और भी लोग हैं जो ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड बना रहे हैं, तो ये कंपनी कैसे अलग है सर बाकियों से? सर हमारी जो सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ है वो है पैन इंडिया रीचेबिलिटी। हमारे इंडिया के हर स्टेट में ऑफिसेज हैं, हमारी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, इस वजह से हम वेरी करते हैं अलग। थैंक यू सो मच, वेलकम। तो देखा आपने किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर पैच कोड बनाया जाता है, और इसको बेहद आसान तरीके से हमें बताया अखिल शर्मा जी ने, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो जुड़िए IIT के साथ जहां आपको मिलता है नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और भी बहुत कुछ। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.iid.org.in या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। धन्यवाद।